माताएं बहने जरा ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी महाराज का दरबार लगा है। राम कथा से दो लाइनें आपके बीच में रखने जा रही हूँ। माँ सीता जी भगवान श्री राम के साथ जब वनवास गई तो माँ अनुसुईया के चरणों में जाकर सीता जी ने प्रणाम किया। अनुसुईया बोली, सीता इस संसार में चार प्रकार की नारियां होती हैं, अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और नीच। अति उत्तम नारी वो होती है जो सिर्फ पति को भगवान समझती है, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। उत्तम नारी वो होती है जो व्रत करती है, पूजा पाठ करती है। और तीसरे नंबर की नारी वो होती है जो औरों की देखा देखी करती है, वो तीसरे नंबर की नारी है। और अब चौथे नंबर की नारी के बारे में बताने जा रही हूँ, उसके लिए नीच कहा है, उसको तो धरती पर भी जगह नहीं होती है और ऊपर भी भगवान माफ नहीं करता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसे चौथे नंबर की नारी के लिए आज ये भजन सुना रही हूँ कि कहते हैं कि प्रीत करो ऐसी करो कि जैसे लोटा डोर। बड़ी प्यारी बात है, करोड़ों रुपए का भजन है, किसी ने भी नहीं गाया होगा। कि प्रीत करो ऐसी करो कि जैसे लोटा डोर, और गलो फसायो आपनो न पानी पी गया और पानी पी गया। निस्वार्थ की प्रीत, ये भजन कब संत कबीर दास जी महाराज जब संतों के बीच में गा रहे थे। गुरुदेव मनुष्य को भवरा बताया और संसार को बगिया बताई है। मैं तो आपकी बेटी, आपकी शिष्या, आपके चरणों में तुच्छ बुद्धि से रखूंगी, मैं आगे कुछ नहीं जानती। आपका दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश से एक छोटा सा दीपक लेकर आशीर्वाद चाहूंगी। कहा कि सेल चतुर रंग रसिया रे भवरा, तू पर घर प्रीत मत कीजे। और चौथे नंबर की नारी के लिए कहा कि पराई नार जहर कटारी, तू रूप देख मत रीजे रे भाई मारा, पर घर प्रीत मत कीजे। तो आइए चलते हैं इस सुंदर रचना के साथ। पूरी जालौर देख रही है और जितने भक्त घर में बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनसे भी कहूंगी कि वो भी मेरे साथ मिलकर एक जयकारा लगाए। बोलिए सतगुरु महाराज की। अरे सेल चतुर रंग रसिया रे भंवरा, तू पर घर प्रीत मत कीजे। हो पराई नारिया जहर कटारी, तू रूप देख मत लीजे रे भाई भरा। बड़ा आनंद आएगा। लाइन पहली लाइन अच्छी लगी तो एक बार आशीर्वाद दे दो, दोनों हाथ उठाकर। पर घर प्रीत मत कीजे, क्योंकि एक भी लाइन अगर छूट गई ना तो भजन का आनंद खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, ये मेरा मानना है। पहला नंबर का वो जिसको आता जाता कुछ नहीं, लखन वखन कहीं नहीं, आवे जावे कहीं नहीं, न कूद्यो कूद्यो फरे न कहीं कहो मुझ जानू कहीं कहवे मुझ जानू।
नकदी मुझानु करबा वाला से कोई समझदार पूछ लेने के लिए दादा तू घणो जाने तू बता तो वक्त आवे तो कहेंगे मु कहीं जानू साहब परमात्मा जाने मु तो कहीं नहीं जाऊ। पहले नंबर का वो और दूसरे नंबर का इंसान वो होता है आता जाता सब कुछ है बुद्धि उद्धि सब कुछ है लेकिन चुपचाप बैठे रहते हैं और मौके पर चौका असली खिलाड़ी वही होते हैं। अब जो कुतियो कुतियो भरे नहीं है तो चले गगर झलकते जाए बरसात में मेंढका घना कूदे न फाणी जाता है फाची घर में घुस जाए है ना। ऐसे इंसान को कबीरदास जी कह रहे हैं कि दूसरों को शिक्षा देने से पहले तेरे मन के मंदिर में उजाला कर फिर दूसरों के घर में दीपक जलाना क्योंकि दूसरों के घर में दिया जलाने से उजाला तेरे घर में। बात अच्छी लगे तो पहले सुनिएगा फिर आशीर्वाद दीजिएगा। क्या कहा अरे घर का मंदरिया में निपट अंधेरों घर का मंदरिया में निपट अंधेरों परे घर दिवला मत जोजे घर को गुड़ का लोई खा लीजे घर का गुड़ का लोई खा लीजे पर चोरी की खांड मत खाजे लड़ाई होरा अरे घर प्रीत मत कीजे के खेत में फसल बोओगे तो फसल मालिक की होगी या अपनी होगी मालिक की। ध्यान से सुनना अगर बात अच्छी लगी ना तो बाद में ताली बजाना पहले कानों से बड़े प्रेम से सुनना शब्द कितने गहरे हैं। अरे पराया खेत में बीज मत बोजे पराया खेत में बीज मत बोजे बीज अखा रख जावे सोचिए सांप कितना जहरीला जानवर है उस जहरीले जानवर पर जब नारी की छाया पड़ती है तो वो भी अंधा हो जाता है तो पुरुषों का तो क्या हाल होता होगा ये राम जान। कबीरदास जी ने एक दोहा कह दिया कि नारी की छाया पड़त अंधा होते भुजंग
कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग। अरे उस नर के क्या हाल है जो नित नारी के संग। अरे सहेल चतुर रंग रसिया रे भमेरा, अरे भगवान कर दे बेड़ा पार। अब आइएगा, मेरी माता बहनों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है क्योंकि ये धन दौलत बात की बात है, पहले दिल में जगह बनानी पड़ती है। तो माता बहने एक बार जोर से कह दो, बोलिए सतगुरु महाराज की। क्या बात है, अब सुनिएगा, अब दो मिनट लूंगी। एक बार कबीरदास जी भजन गा रहे थे, एक डाल दो पंछी बैठा, गाइए मेरे साथ। एक डाल दो पंछी कौन गुरु चेला, ओ गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, रे चेले की करनी चेला रे मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। कबीर जी ने नीच कह दिया, डंडे ले लेके लोग आ गए, आपको जान से मार देंगे। आपने इंसान को नीच कैसे कह दिया, आप भी तो नीच हो गए, आप भी इंसान हैं। कबीरदास जी बोले, मैं मरने से नहीं डरूंगा, मार देना, डंडे लेकर आए हो मार देना, पर पहले मेरी बात सुन लो, मैं साबित कर दूंगा मनुष्य नीच कैसे है। साबित करने के लिए क्या किया भक्तों, एक कुत्ता बुला दिया और कुत्ते के सामने सेव फल नारंगी केले अमरूद रख दिए, बोले कुत्ते इसको खा। कुत्ते ने नहीं खाया, सूंघा भी नहीं, देखा भी नहीं, क्योंकि कुत्ते कभी फल नहीं खाते। कबीर जी बोले, समझे, सब मूर्खों ने गर्दन हिला दी, नहीं समझ में आया, कुत्ते ने फल नहीं खाए तो मनुष्य नीच कैसे हो गया। कबीरदास जी बोले, बात अभी बाकी है। फिर कबीरदास जी ने एक मांस का टुकड़ा लाकर कुत्ते के सामने रख दिया, जैसे ही मांस का टुकड़ा कुत्ते ने खाया तो कबीर जी बोले, समझे, सबने मना कर दिया, नहीं समझे। कबीरदास जी इस उदाहरण से साबित कर रहे हैं, जब गांव में मंदिरों में संध्या के समय आरती होती है, झालर बजती है, शंख बजते हैं, तब ये कुत्ते मंदिर के सामने आकर के खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं। आपने सबने सुना होगा, चिल्लाते हैं, वो इसलिए चिल्लाते हैं। कबीर जी बोले, कुत्ते इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि कुत्ते भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन मनुष्यों को तो कुत्ता बना दे और हम कुत्तों को मनुष्य बना दे, क्योंकि इन मनुष्यों का भोजन हमने शुरू नहीं करा, पर इन नीच मनुष्यों ने हमारा भोजन शुरू कर दिया। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने मनुष्य को नीच कहा। इस भजन से एक ही संदेश देना चाहूंगी, हजारों गायें कट जाती है और कटने के बाद डिब्बों में बंद हो जाती है और मसाला बन करके तैयार हो जाती है, लिख दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अरे शर्म आनी चाहिए हम जैसे बेटे बेटियों को, जो माँ को खा गए वो कभी इंसान नहीं हो सकता, उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। गौ माता के लिए जो पात्र आया था ना, मैं फिर से 13,102, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो कम से कम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। एक बार और अलका शर्मा की बात पर, अगर आपको यहाँ मेरा आना सच्चा लगा है और अच्छा लगा है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार और वो पात्र आपके बीच में घुमाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक रुपया फिर से मेरी गौ माता के नाम पर आप सबसे जरूर निकलेगा। कह दो गौ माता की। अब कबीरदास जी महाराज बोलते हैं,
अपने मित्र की पत्नी अपने भाभी के समान लगती है, उसे उस दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन वो जमाना नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे। कहते हैं कि निगाहों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, इरादों को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है भक्तों कश्तियां बदलने की, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। आइए, अपने मित्र की पत्नी को भाभी कहना चाहिए। अरे आजकल वो जमाना नहीं रहा, उस जमाने में एक रावण था जिसने एक सीता चुराई थी। कलयुग में तो हजारों रावण हैं, लाखों सीताओं की चोरी हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता कब कौन सी सीता गायब है। सवेरे दैनिक भास्कर में पढ़ने को मिलता है फलाने राम जी की सीता जी गायब हो गई, ये जमाना। और ऐसे लोग भी जिंदा हैं, ऐसे लोग भी जिंदा हैं, ऐसे रावण भी जिंदा हैं कि विजयादशमी पर भारत में दशहरा, जितने भक्त बैठे, कि विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। और सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के पुतले जलते हैं, कागज के पुतले जलते हैं। जिस दिन सचमुच का रावण जल गया ना, उस दिन हमारा हिंदुस्तान वापस सोने की चिड़िया जगत गुरु बन जाएगा। लेकिन बनाने के लिए हम लोगों को कदम से कदम उठाना पड़ेगा। कहा कोई लड़की किसी लड़के की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाती है तो दुष्ट बुद्धि वाले कहेंगे वे ओहो कितनी सुंदर जोड़ी है, था आपने बनाई जोड़ी है, तेरे बाप ने बनाई जोड़ी। अरे ये भाई बहन भी हो सकते हैं, देवर भाभी भी हो सकते हैं। अरे अपनी बुद्धि को तो एक बार परिवर्तन करके देखो। इसलिए कबीर दास जी महाराज ने क्या कहा, अरे भाई लारे नार जामण जाई लागे बेनड़ घेर बुला जे। कैसे हैं जरा देखते हैं, मेरे साथ मिलकर के एक पंक्ति गाएंगे। कह दो जय श्री राम, थोड़ा जोर से कह दो जय श्री राम। और अगर मेरे राम जी के दीवाने हैं तो दोनों हाथ उठाकर कह दो जय श्री राम। चलिए गाने के लिए हो जाइए तैयार। काकू काकू जी जोर से गाना है, क्या बात है, अब सुनिएगा। माटी चुन चुन महल बनाया, क्या बात है, आसानी भाई। सुर में गानो, सुर में बोलनो, सुर में नाचनो, सुर में करनो सब काम, बेसुरा लोग तो बना काम का। जीवन में संगीत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, संगीत मुर्दों में भी प्राण डाल देता है। कुछ लोग संगीत के लिए बने हैं और कुछ लोगों के लिए संगीत बना है। आदरणीय लता मंगेशकर जी के लिए संगीत बना है, मैं उनको मानती हूँ। और दुनिया में स्वर कोकिला एक ही है, और जितने भी भक्त सिंगरों के पीछे स्वर कोकिला लगाते हैं ना, मैं उनसे निवेदन करूंगी, स्वर कोकिला केवल पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक ही है जिनको लता जी मंगेशकर की उपाधि दी गई है, बाकी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन साहब जैसा कोई नहीं है, संगीत की दुनिया में माँ लता जी जैसी कोई नहीं है, क्रिकेट की दुनिया में तेंदुलकर जी जैसा भी कोई नहीं है। ये रत्न है, इन रत्नों की इज्जत करिए, उनकी उपाधि किसी और को मत दीजिए। तो आइए कालू राम जी, मैं दो मिनट लूंगी आपका, दो मिनट बाद बोलना आप, सुनिए दो मिनट बोलिए। हेलो, देखिए मैं एक मिनट ले रहा हूँ आपका। हाँ, आप दो ले रही है, एक तो ले लू ना मैं। हाँ हाँ दिया है? लेकिन जल्दी। स्वर कोकिला कोई, ये तो स्वर कोकिल भी हुए। हाँ हुए ना,
यही तो बात मोहम्मद रफी साहब हो गए। जहाँ शंकर है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शंकर है, उन दोनों को लेके चलो आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं महिला हूँ इसलिए महिला की बात कर दी, आप पुरुष हैं पुरुष की बात कर देना, सबका समय आता है ना जवान, इनकी बात मुझे करनी जरूरी हो गई ना, तो आइए देखिए अलका जी जा शक्ति। हाँ यही तो बात है ना यार, हम तो लोग बैठे हैं। मैंने अमिताभ बच्चन साहब की बात की है, पुरुष की बात भी रखी है, ऐसी बात नहीं रखी है ना, रखिए बराबर पलड़ा रखा है तो जोरदार तालियां बजा कर रख दीजिए, रखिए ना। आप तो स्वर है जहाँ ईश्वर है, ठीक है ना, स्वर तो शक्ति में आ गया और ईश्वर साक्षात भगवान आ गया, ठीक है ना, तो ठीक है। शंकर है जहाँ शक्ति है, और शक्ति है जहाँ शंकर है, ठीक है। बोलो उमापति महादेव की। देखिए ठीक है ना, ठीक है, कह तो ठीक है, एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात है। दादा ऐसे फनकार हैं कि राजस्थान में शेर गायकी की अगर नाम आता है तो कालू राम जी दादा का, जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात है। अब आइएगा सब मिलकर मेरे साथ दो पंक्तियां गुनगुना दीजिए, एक मिनट। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन बनाया। मेरी माता बहनें कैसा गाती हैं, आज माता बहनों की इज्जत का सवाल है, इनकी मूछ का सवाल है और अपनी चोटी का सवाल है, ठीक है। आ जाऊं आपके पास, आ जाऊं, आ जाऊं, मैं इतनी बुरी तो नहीं लग रही हूं ना, ठीक है, कह दो। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन झांसी की रानियों की ऐसी आवाज, ये महाराणा प्रताप पूरा पांडाल हिला देंगे, थोड़ा जोर से बोलिए, अपनी भी इज्जत का सवाल है, इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए कि पूरे जालौर में लगना चाहिए कि भक्ति ऐसी होती है, नाचना कूदना भक्ति नहीं होती, भक्तों दिल में परमात्मा की आवाज हो जाए ना वही भक्ति होती है, तो क्या कहना है। माटी चुन चुन महल बनाया, माटी चुन लोग कहे घर मेरा, लोग कहे कहीं बात है, जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए, जीत गए। अब इधर देखते हैं भाइयों की पार्टी, और जिधर से आवाज ज्यादा आएगी उधर कालू राम जी दादा इनाम देंगे, ठीक है, इनकी जेब में जितना भी माल है वो सब आवाज जिनकी तरफ ज्यादा आई उनका, ठीक है। माटी चुन चुन महल बनाया, अत्रो बड़ो महल बनायो, पूपन का आगो तो सबसे पहला आपको ही महल ढले जाओ, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे अरे ना घर तेरा, ना घर मेरा, ना घर तेरा, ये चिड़िया रेन बसेरा रे साधु भाई। आवाज दोनों तरफ से बराबर आई, इनाम कैंसिल, भजन गाने की तैयारी करते हैं, दोनों हाथ उठा करके सभी भक्त, अगर अलका शर्मा की बात अच्छी लगी है तो एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। हेलो, हाँ, आवाज दोनों बराबर नहीं हुई तो लाओ इनाम दो इधर, ऐसा मत करो आप, हाँ तो लाओ कालू दादा इनाम देंगे भाई, मर्यादा हम भी बनाते और मर्यादा हमारा काम है बनाने का, लेकिन ये जो पुरुष बैठे हैं ना, हिंद के दो फूल स्वर्ग और सफेद है, हिंद के दो फूल स्वर्ग और सफेद हैं, कहने को हम अलग अलग लेकिन खुशबू तो एक है, हाँ, नगीना नूर का बनके। देखिए मैं तो क्योंकि बोलने की इतनी क्षमता नहीं कि अब तो अलका जी मेरे ये कानों के पास में सफेदी आने लग गई है, चेतावनी देने लगे, तो हम भी कुछ थोड़े से राजा दशरथ जी को भी चेतावनी, निगाहें, हाँ, नगीना नूर का बनके चिढ़ाता है नगीनों को, निगाहें नाच से जख्मी बनाता है हसीनों को, आप बेदर्द चारा कर, चारा कर मेरे दर्द का, तूने एक बीमार को धूना बीमार कर दिया, ठीक है ना, आप इतना समुंदर भी नहीं होना चाहिए ताकि उफल जाए वो, ठीक है ना। तो बहन अलका जी को मैं निवेदन कर रहा हूं, ठीक है ना, कि वापस उसी मोड़ पे आइए जहां से, जहां का ये जो चल रहा है विषय, विषय को लेकर आप चल रही हो, बहुत बहुत बधाई की पात्र हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद हो आपको, लेकिन ये विषय आना चाहिए राम जी और हनुमान जी और सीता जी का, हमारी इच्छा की ये सब्जेक्ट उन्हीं के नाम सुनिए, ये जो निर्गुण भजन है ना इसको सगुण में नहीं गा सकते, अरे ऐसा मत करो, निर्गुण भजन को कभी सगुण में नहीं कर सकते, और आप लोग जो भजन गाने वाले होंगे जानते होंगे, तो आइएगा ये निर्गुण पंथी बैठे हैं जितने, ये बताइए कौन कौन,
निर्गुणी वादी निर्गुण भक्त भजन जो संत चेतावनी भजन सुनना पसंद करते हैं, जितने भक्त हैं दोनों हाथ उठा लीजिए, बोलिए सतगुरु महाराज की। मैंने पूरे भजन में ताली नहीं बजवाई, पर एक हाथ से जोड़कर निवेदन है कि गौ माता की राशि के लिए, अलका शर्मा का मन रखने के लिए और जितने भी कलाकार हैं सबका मान सम्मान रखने के लिए एक बार और वो पात्र लेकर आएंगे, दोबारा घुमाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक झोली और आप गौ माता के नाम की जो जो निकालेंगे एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए, अपने जीवन का एक अंश परमात्मा के नाम पर, गौ माता के नाम पर। तो आइएगा भजन को मैं पूरा करने जा रही हूँ। अगर आप सबको लगे कि झालावाड़ से अलका शर्मा ने कोई भी बात, एक भी बात अगर आपके जीवन में उतारने लायक लगी हो तो इस भजन में अंतिम पंक्ति में मेरा साथ देंगे, दोनों हाथ उठा लीजिए जहां बैठे हैं सभी लोग। मैं देखना चाहती हूँ, अजी हाथ उठाइए, दिया तले अंधेरा, अजय दिया तले अंधेरा, दोनों हाथ उठाकर पर घर प्रीत मत कीजिए। घर प्रीत मत कीजिए।